अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी जॉब की जानकारी देता हूं और जॉब पाने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए आपके हेल्प करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ पहले वीडियो वाली हैं और कुछ नई आई हैं। तो जो पहले वाली हैं उसमें कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कौन सी ख़त्म हो चुकी हैं आप एक बार नज़र मार लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। ये सुपरमार्केट वाला अभी चल रहा है, अवेलेबल है। उसके बाद ये टायर मैन वाला भी अवेलेबल है। उसके बाद ये कुवैत वाला भी है। उसके बाद ये भी है चिलर टेक्नीशियन वाला, स्टोर क्रू, सऊदी वाला ये, उसके बाद ट्रेलर ड्राइवर, एयरपोर्ट बस ड्राइवर। एयरपोर्ट बस ड्राइवर के लिए मुझे काफ़ी फ़ोन आए थे, लेकिन कंपनी का कहना है कि सिर्फ कंपलसरी बस का लाइसेंस चाहिए। हैवी का है, ट्रेलर ड्राइवर का है, वो सब नहीं चलेगा। बस का लाइसेंस अलग होता है, वो होना चाहिए। उसके बाद चिलर टेक्नीशियन, हैवी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, दोहा कतर वाला, फोकलिफ्ट ऑपरेटर अगर किसी के पास है तो। कारपेंटर वगैरह का कुछ लोगों ने नाम लिखवाया है। 6 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है बॉम्बे में, तो कम से कम 4 तारीख को आपको बॉम्बे पहुंच जाना है इसके लिए। ये अपारेल ग्रुप के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेरे पास, मर्चेंडाइजर के लिए और काम के लिए भी आए हैं। कंपनी में मैंने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए हैं, थोड़ा वेट करें, सब्र करें, रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 4 जुलाई को जो इंटरव्यू है, इसमें ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो भी हैं, जितनी भी पोस्ट हैं इसके अंदर, ये सब गल्फ रिटर्न चाहिए। अगर कोई फ्रेश है, कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, नहीं चलेगा, इनको गल्फ रिटर्न चाहिए। अब यहाँ से नई जॉब स्टार्ट होती है। ये सऊदी का है, क्लीनर चाहिए, 900 से 1000 तक सैलरी है, प्लस 200 फूड अलाउंस है। 2-3 साल का मैनेजमेंट फैसिलिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप देख लीजिए। 22 से 35 एज लिमिट है, 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है, ओवर टाइम होगा तो मिलेगा। उसके बाद है 8 जुलाई को इंटरव्यू है सेप्को कंपनी का। ये सेप्को कंपनी जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टील इरेक्टर, स्टील फिक्चर नहीं है, स्टील इरेक्टर, वॉल पेंटर, देख लीजिए आप। 8 जुलाई को इंटरव्यू है, जिसका एक्सपीरियंस मैच करता है वो डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं। 8 जुलाई को इंटरव्यू है, 2 दिन पहले मतलब 6 तारीख को बम्बई पहुंच जाना है। 22 से 45 एज लिमिट है, बाकी जो भी है सब यहाँ पे दिया हुआ है, खाना कंपनी की तरफ से वगैरह। 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। उसके बाद है हाउस कुक चाहिए, 1400 से लेके 1500 तक सैलरी है, प्लस खाना कंपनी की तरफ से फ्री है। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
और एज जो है 30 के अंदर, मतलब 22 से 30 एज लिमिट होनी चाहिए। अब करना क्या है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह सब काम करना है स्टाफ के लिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कंपनी का कहना है 10 दिन में काम हो जाएगा। उसके बाद है मैकेनिक, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक चाहिए, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ये दोहा कतर के लिए हैं, स्प्रे पेंटर हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है। उसके बाद है दोहा कतर के लिए फोकलिफ्ट ऑपरेटर, 1500 सैलरी है खाने के साथ, बाकी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल वगैरह सब कंपनी देगी। और कतर का फोकलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस अगर किसी के पास है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है, और लाइट ड्यूटी ड्राइवर चाहिए जिसके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस हो लाइट। 1800 कतर रियल सैलरी है खाने के साथ, 9 घंटे की ड्यूटी है, बाकी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कंपनी की तरफ से मिलता है। उसके बाद है दोहा कतर के लिए कैंप बॉस चाहिए। डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड कर लीजिए, बाद में फिर फ़ोन पे ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी मुझे खुद को याद नहीं रहती है। वैकेंसी तो याद रहती है कौन सा काम है, लेकिन सारी वैकेंसीज़ का डिस्क्रिप्शन, किसका कितना एक्सपीरियंस है, कितना एज लिमिट है, ये सब याद नहीं रहता है। और लोग फ़ोन करके ज़िद करते हैं आप बता दो ना वीडियो क्यों देखें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि आपका भी टाइम बचे, मेरा बचे, और सर्विस अच्छे से हो पाए। एज लिमिट देख लीजिए, 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है। उसके बाद है अबू धाबी के लिए प्लम्बर चाहिए, 2100 से लेकर 2300 तक सैलरी है। और ये प्लम्बर जो है अगर किसी ने ITI किया है प्लम्बिंग में वो ही अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम गल्फ का 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लीजिए भाई, इंग्लिश भी आना चाहिए। उसके बाद फ्रेश हाउस ड्राइवर चाहिए, 1000+200 सैलरी है, 200 लोग चाहिए जिसके पास इंडिया का लाइट लाइसेंस है चीप वाला। उसके बाद हैं मेंशन चाहिए, 1300+200 सैलरी है, और ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी पास नहीं है तो हम बम्बई से टेस्ट सेंटर से दिला देंगे। उसके बाद हैं पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म के लिए मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए हैं और कुछ लोग मेडिकल भी कराने वाले हैं मंडे को। जिसको भी जाना है जल्दी करें क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत साल भर में कभी एक आध बार आ जाती है कि जिसमें इंटरव्यू ना हो, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी पे सिलेक्शन हो जाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है जिसको कुछ आता नहीं है, कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर इंटरव्यू फेस नहीं करते, या फिर घर से कि कहीं जा के अपना पासपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं कर सकते, ये ऐसे लोगों के लिए हैं। इसमें जाने के लिए 800 सैलरी है प्लस खाना कंपनी की तरफ से है, और 9 घंटे की ड्यूटी है, एक आध घंटा लंच ब्रेक होगा तो 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है। फिर उसमें 3-4 घंटे आप आराम से ओवर टाइम कर सकते हो क्योंकि खाना कंपनी की तरफ से है तो खाना पकाने में आपका टाइम नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि अगर मेहनत करने वाला बंदा होगा तो कम से कम महीने में 24-25 हज़ार कमा के घर पर भेज सकता है। एज लिमिट 35 से कम हो, 22 से 35। इसमें डायरेक्ट मेडिकल करवाना है, लेकिन मेडिकल करने के लिए कम से कम एक बार मुझे फ़ोन करके पूछ लेना कि मुझे जाना है और मुझे मेडिकल करवाना है तो क्या मैं मेडिकल कराऊं या ना कराऊं। एक बार मुझसे कंफर्म कर ले कि जॉब अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये सऊदी का है, अलवतानिया कंपनी का। आप गूगल में जाके अलवतानिया पोल्ट्री सर्च करोगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी कितनी अच्छी कंपनी है। उसके बाद मुझे चाहिए बस ड्राइवर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 1300 सैलरी है प्लस खाना कंपनी की तरफ से है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरे पास इतनी जॉब थी। इस वीडियो में अगर आपको कोई जॉब पसंद आई है तो उसका एज लिमिट चेक करें, सैलरी चेक करें, और
एक्सपीरियंस चेक करें। उसके बाद आप घर में अपने जो भी हैं, अपने मम्मी पापा हैं, अगर शादी हो चुकी है तो वाइफ से भी पूछें, घर में पूरी बात करने के बाद मुझे फ़ोन करें। अक्सर क्या होता है कि जो भी जॉब पसंद आती है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, मैं कंपनी को दे देता हूँ, फिर जब वहाँ से सिलेक्शन आता है या वहाँ से अप्रूवल आता है तो फिर बोलते हैं मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, मैं भाई से पूछ के बताता हूँ। तो ये सब ठीक नहीं है। आपको जिसको भी पूछना है, जो भी करना है, अपने घर में मम्मी पापा हो, भाई हो, जो भी हो, जिससे भी पूछना हो पहले पूछें, उसके बाद अप्लाई करें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमेशा आप इस तरीके से जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस करें। उसके बाद आपको बेल आइकन दिखाई देगी उसको भी प्रेस करें।